हे गाइस सो गुड आफ्टरनून अभी हम लोग ये एडू स्टेप करके एक चैनल स्टार्ट किया हमने नाइन्थ और टेंथ की मैथ्स और साइंस के लिए स्पेसिफिकली सो सबसे पहले हम लोग कोर्स करेंगे उसको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि केमिस्ट्री आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगे बायो मैथ्स एवरीथिंग इज ऑन योर टिप्स राइट अभी इस पर हम लोग करने क्या वाले हैं सो लेट्स सी इनिशियली हम लोग सिर्फ टेक्स्ट पढ़ेंगे नाइन्थ और टेंथ का अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आप अपनी थ्योरी जो है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो लेटर ऑन इसी चैनल पे वी आर गोइंग टू कम अप विद अदर थिंग्स अदर थिंग्स मीन्स टेस्ट प्रेपरेशन्स हम लोग एन टी एस सी वाई ये सारे के सारे जितने भी आपके ओलंपियाड्स हैं उन सब की तैयारी हम इस पे कराएंगे सो so, ये चैनल जो है एक नया चैनल स्टार्ट किया है हमने शैलीज uh, केमिस्ट्री का एक सिस्टर चैनल आप कह सकते हो है ये और इस पर हम लोग जूनियर क्लासेस नाइन्थ और टेंथ को फाउंडेशन कोर्सेज हम आपको तैयार कर रहे हैं फॉर ऑल द कॉम्पिटिशन्स वेदर यू आर गोइंग टू सिट फॉर योर जेइज वेदर यू गोइंग टू सिट फॉर योर नीट और यू टू सिट फॉर एनी अदर एग्जाम फॉर दैट मैटर आपको पता है कि मैथ्स और साइंस जो है वो आपकी नाइन्थ और टेंथ की हर जगह लगने वाली है इवन वेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एन डी ए एनडीए के एंट्रेंस के लिए भी

मैटर क्या हुआ जो कुछ भी आप अपने इर्द गिर्द आस पास देख रहे हो वो सब क्या है ऑल ऑफ दैट दैट इज गोइंग टू बी मैटर सो वेन वी टॉकिंग ऑफ मैटर ओवर हियर गाइज लेट्स मैटर कैन वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड ओके वी कैन सो हम देख रहे हैं देखो मिल्क बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, है ना कोक बहुत पसंद है

क्या कर रहा है ये दो चीजें हैं इसमें वन इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस और दूसरा एवरीथिंग इज गोइंग टू हैव वेट सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस सिंपल सो हम लोग क्या कर सकते हैं वी आर सेल ऑफ दिस दैट इज गोइंग टू बी मैटर स्पेस का मतलब क्या हुआ वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना सो दैट इज गोइंग टू बी मैटर अच्छा अभी क्वेश्चन आया जो एयर हम ब्रीद करते हैं इज दैट मैटर येस ऑफकोर्स इट इज मैटर क्योंकि आप बलून्स के अंदर क्या कर रहे हो बलून्स के अंदर भी आप एयर को इन बलून्स के अंदर आप एयर को फिलअप कर रहे हो तो एकदम से क्या होता है balloons they start expanding so if the balloons they are expanding over here that means they are occupying space and if they are occupying space that means they are occupying volume and if they are occupying volume what are they they are a part of matter okay ye sab kuch matter hai. now agar hum bole, we are very worried today kya hum bole, we are very happy today right ya hum bole, oh gosh we are very sad today डज दैट ऑल कम अंडर मैटर हमारी वरी हमारी हैप्पीनेस हमारे थॉट्स हमारी सैडनेस वो सब मैटर नहीं है वो क्या है अगर वो मैटर नहीं है तो वो क्या है दे आर ऑल नोन एज वॉट दे विल बी नोन एज इमोशंस तो क्या है वो दे आर नॉट मैटर दे आर आर स्टेट ऑफ माइंड दे आर इमोशन सो दे आर नॉट गोइंग टू ए मैटर तो जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास नजर आते हैं दे आर मैटर राइट बट लेट्स से दैट वी आर टॉकिंग ऑफ द फॉलोइंग लेट से वी आर टेकिंग सम 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 एग्जांपल्स ओवर हियर, जैसे नंबर वन हमने ले लिया टाइप्स ऑफ एनर्जी ठीक है नंबर टू हम ले लेते हैं सेंसेशन सेंसेशन नंबर थ्री हम ले लेते हैं इमोशंस जैसे कि हमने अभी बात करी लव हेटरेड सैडनेस हैप्पीनेस और हम ले लेते हैं नंबर फोर वी आर टेकिंग ओवर योर टाइम सो वी टेकन ऑल ऑफ दीज ओके अब ये सब क्या है आर दे मैटर नो दे आर नॉट पार्ट ऑफ मैटर डेफिनेशन ऑफ मैटर जो है वो क्या बोल रही हैज वेट एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस सो दैट इज गोइंग टू बी मैटर अब केमिस्ट्री में मैटर क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें तो हमको सराउंड कर रही है इज इंड तो केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ मैटर और जितने भी एनर्जी में होते हैं बेसिकली जब हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं तो केमिस्ट्री क्या है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर कॉम्पोजिशन जैसे आपने मिल्क मिल्क लिया तो milk में क्या प्रेजेंट है ओके okay. मिल्क क्या है लिक्विड है सॉलिड है सॉल्यूशन है या क्या है उसी तरह से कोक में क्या प्रेजेंट है तो हम हर एक चीज की कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं राइट right? बेल जो है बेल कौन से मेटल से बनी है अलॉय है या मेटल है या क्या है ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर केमिस्ट्री तो जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग और केमिस्ट्री के साथ फ्रेंडली होते रहेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि मैटर कितना एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाती है केमिस्ट्री का ओके ओके सो लेट्स गो ऑन टू नाउ वी अंडरस्टूड दिस इज मैटर नाउ योर क्वेश्चन I've already told you this. Is worry a kind of matter? No, it is not. Types of energy, sensation, emotions, time—all this does not come under matter. Physical nature of matter. If we physical nature of matter, we say that we are surrounded by matter in various things and objects. Okay. Now over here. स्टीट्यूट मैटर सो बहुत सारे फिलोसोफर्स थे या स्टडी किया राइट सो ग्रीक फिलॉस है, क्या बोला? बोला कि सारा जो है कौन से है वो फोर बेसिक सब्सटेंसेज देख सकते हम एयर है अर्थ है वॉटर है फायर है सो ऑल ऑफ दीज फोर सब्सटेंसेस से जो मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ सो देर वॉज साइंटिस्ट और यू कैन से देर वॉज अ फिलोसफर बाय द नेम ऑफ एरिस्टोटल क्या बोला उन्होंने उन्होंने बिलीव किया कि ईच ऑफ दीज बेसिक सब्सटेंसेस इनसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनती है और वो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनती है उससे क्या बनेगा मैटर

जिनको हम क्या बुलाते हैं दैट इज नोन एज एटम उसके बाद तो बहुत सारी थ्योरीज एटम के बारे में आ गई आप पढ़ोगे अभी भी पढ़ोगे टेंथ में भी पढ़ोगे इलेवेंथ में भी पढ़ोगे सो so, एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आ गई थी लेटर ऑन आफ्टर डेमोक्रेटिस डेल्टन ने एटमिक थ्योरी दे दी महर्षि कन्नड़ ने हमें एटम के बारे में बता दिया सो so, एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज जो थी दैट

So dekhe guys, what are these five elements? These five elements is Akash which is the sky, earth, water, Pavak which is fire and vayu which is air so in Panch we five elements sky earth water fire and air right and it was a great indian philosopher maharishi Kannad, who suggested that all matter all forms of matter they are composed of small particles क्या बुलाया था उसको महर्षि कन्नड़ ने जो स्मॉल पार्टिकल्स थे उनको क्या बुलाया दे आर नोन एज परमाणु इसी के बेसिस पे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बनी थी पता है आपको सो परमाणु राइट परमाणु जो है वो किसका uh, सबसे छोटा पार्ट है परमाणु दैट इज द नेम गिवन टू एटम राइट right? जैसे डेमोक्रेटिस ही सेड कि छोटे 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 टुकड़े अगर हम लोग करेंगे तो वो छोटे 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 टुकड़े क्या बन जाएंगे दैट इज गोइंग टू बी एटम उसी तरह से जब हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू महर्षि कन्नड करते हैं इनिशियली उसको क्या बुलाया गया था परमाणु फिर एटम का मतलब क्या होता है अनकटेबल जिसको हम लोग फर्दर कट ही नहीं कर सकते सो दैट इज वॉट एटम इज राइट गाइज so this was a very tiny tiny introduction this was a trailer film abhi baki hai so subscribe to the channel look forward to all the videos which are coming up all of them are going to be very very interesting so subscription button ko dabana bula nahi see you guys in your next class till that time shabakair see you again